नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शनिदेव से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। आपने खास कर देखा है कि गरीबों की सुनने वाले भगवान शनि जो अच्छे और बुरे दोनों ही परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से शनिदेव का पता नहीं चलता, यानी कि उनका प्रकोप है या नहीं इसके बारे में नहीं पता होता। कुछ लोगों की कुंडलियाँ नहीं बनी होती जिसकी वजह से उन्हें जानने में बड़ी परेशानी होती है कि उनके घर में शनि का प्रकोप है या नहीं। तो जानते हैं इस वीडियो के दौरान कि किस तरह से आप जान सकते हैं कि शनि का प्रकोप आपके ऊपर है या नहीं। नंबर एक, यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं और घर बनवाते समय आपकी समस्याएं और बाधाएं बढ़ती जा रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप इसमें शनिदेव की खुशी नहीं है और जिसके कारण आपके घर बनने में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो आप पहले शनि का प्रकोप को जानने के लिए उसे पहले देखें और फिर उसका उपाय करें, उसके बाद ही अपने घर को बनवाएं। नंबर दो, यदि आपके विवाह में आ रही समस्याएं, जैसे कि आपके विवाह हुआ है और विवाह होने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, तो इसका मतलब भी यही है कि शनिदेव आपकी शादी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जिसकी वजह से शनिदेव का आपके ऊपर प्रकोप है। तो आप कोशिश करें, पहले आप उपाय करें और उपाय होने के बाद शनिदेव के प्रकोप को थोड़ा कम करें, जिससे कि आपकी हस्ती खेलती जिंदगी दोबारा से शुरू हो सके। नंबर तीन, यदि आपके कमर में ज़्यादा दर्द है और आपकी आँखें भी कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब भी समझ लीजिए कि शनिदेव का ही एक प्रकोप है, जिसके कारण से आपकी कमर में दर्द नहीं जा रहा। क्योंकि वैसे तो कमर दर्द किसी भी नॉर्मली दवाई से चली ही जाती है, या तो फिर आप कोई भी ऐसी चीज़ लगा लेते हैं जिसकी वजह से कमर का दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कमर का दर्द कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच जाता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पूरा दर्द रहना शुरू हो जाता है, आपकी आँखें भी उसके साथ साथ वीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये शनिदेव का ही प्रकोप है। नंबर चार, विद्यार्थियों के लिए, आपने खास कर देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद लेकिन कुछ याद नहीं रहता और याद न रहने की वजह से वह नंबर कम आते हैं, और नंबर कम आने की वजह से बच्चे ज़्यादातर फेल या फिर कंपार्टमेंट तक भी आ सकती है। तो आप कोशिश करें कि यदि आपका शनि कमज़ोर है, तो उसके लिए भी आप विद्यार्थियों को अच्छे से अच्छी स्टडी कराएं, ताकि वह शनि का उपाय करके अपने काम को अच्छे से करें। शनि का उपाय सिर्फ एक ही है कि आप शनिवार के दिन जाएँ और पीपल के पेड़ पर दिया जलाएँ। आप तेल का ही दिया का यूज़ करें, तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएं और उसके बाद काला धागा लेकर उसके चारों ओर बांधें, और चारों ओर बांधते हुए अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उनको गिनते हुए चलें और उन समस्याओं को दूर करने के लिए शनिदेव से आग्रह करें। नंबर पाँच, यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है, जोड़ों के दर्द के साथ साथ आपकी चप्पलें चोरी हो जाती हैं, जहां आप कहीं गए हैं या चोरी होने के बाद मिल तो जाती हैं लेकिन वह टूट जाती हैं, और जल्दी ही अगर आपकी चप्पलें टूट जाती हैं, ये भी शनि का प्रकोप माना जाता है। अगर आप सपने में किसी जानवर की मृत्यु देखते हैं या फिर खाल देखते हैं और अपने पार्टनर से लड़ाई देखते हैं, तो ये भी शनिदेव का ही प्रकोप माना जाता है। यदि ये चीज़ें आपको सपने में भी नजर आती हैं, तो शनिदेव आपको पहले से ही एक संकेत के रूप में बताकर जाते हैं कि आपके ऊपर शनि का संकट है। तो कोशिश करें कि अगर आपको ये चीज़ें नजर आती हैं, तो ये शनि का प्रकोप माना जाता है। और उपाय के लिए आप शनिवार को तेल भी दान कर सकते हैं, जिससे कि आपके शनि का प्रकोप कम हो जाए और आपकी जितनी भी जीवन में समस्याएं हैं वे सभी समाप्त हो जाएँ। तो ये है वह समस्याएं जो शनि खराब होने की वजह से आपके जीवन पर पड़ता है। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।